बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने मोदी लहर पर सवार होकर शनिवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी सपा कांग्रेस गठबंधन का सूपड़ा साफ कर दिया। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 47 सीटें मिली। इस हार से समाजवादी पार्टी में मातम मच गया है। इस दौरान रामपुर से सपा विधायक आजम खां एक मंच पर रोते हुए नजर आए। मैंने जो कुछ उनके बारे में सोचा था, उनके रोजगार का इंतजाम करेंगे, उनकी नौकरी का इंतजाम करेंगे, मेरे बच्चों मैं शायद तुम्हारी कसौटी पर पूरा नहीं उतर सकूंगा, तो मैं उसके लिए तुमसे माफी चाहता हूं। नौजवान बच्चों का जोश बेलौस दिन रात मेरे लिए दिन रात हमारे लिए आजम खान ने नौजवानों से कहा कि उन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर पाएंगे। आजम खान ने जीत के बाद रामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जनसभा की थी। इससे पहले आजम खान हार से थोड़े झुंझलाए भी नजर आए और अफसर को धमकी भी दे दी। ये भी मोदी जी ने कहा था कि ऐसे लाना है, चलेंगे आप उस रास्ते पर, हम ये सर्टिफिकेट बाद में ले लेंगे, चलिए पहले उस रास्ते पर चलकर देखिए। हालांकि ये बात हमारे लिए बहुत शर्म की है कि मंडी में इतनी गंदगी है, बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है ये। क्यों साहब, आपको अच्छा लग रहा है ये सुनकर? इतनी की चल रही है, खराब लगा, ऐसे खराब लगा कि आपको यहाँ तक देखे, अब तो विनिंग हो चुके हैं, अब तो उन लोगों को कैंडिडेट को यहाँ तक लाना था। और अभी सरकार है। हाँ सही बात, अभी मैं मिनिस्टर। नहीं नहीं, अरे अरे, और आचार संहिता हटने के बाद भी रहूँगा जब तक नई सरकार नहीं बनेगी, और उस वक्त 2-3 दिन में आप पर एक्शन लेने का भी हक होगा मुझे ना। अच्छी बात नहीं की हमने, यही सुलूक रखा आपके साथ, इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कूड़े में पड़े हुए थे, रोए थे आप, ऐसे कूड़े में थे आप, इतनी जल्दी नजरें बदलते हो? क्या रास्ता, इस रास्ते से लाए आप हमें? शोभा दी आपको इस रास्ते सलाना में? अरे अभी आपको वहाँ जाके इतनी इतनी की फिसल जाए तो बिल्कुल तमाशा बन जाए, पूरी नेशनल न्यूज़ बने, पानियों में से कीचड़ में से हम आ रहे हैं।
अगर आपका सामान बड़ा होगा। गाड़ी यहाँ पे नहीं, कोई गाड़ी अंदर आपसे अधिकारी बड़ा। हार की बौखलाहट और सत्ता से जाने का गम साफ साफ दिख रहा है। आजम खान के चेहरे पर जो आंसू बनकर अब आरों से निकल पड़ा है, तो वही बोली में सख्ती भी हार की झुंझलाहट बताती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।